हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश मेरी गोल्ड। तो वेलकम टू द सेशन एंड स्टार्ट यूनिट 6 ट्रेंड्स। तो यूनिट 6 में हमने 2 पार्ट देखे थे, एक था ट्रेंड्स और एक था द स्टोरी ऑफ द रोड। तो इसमें हमने ट्रेंड्स वाला पार्ट्स था वो हमने कंप्लीट कर दिया था लेक्चर 2 में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ द रोड, पेज नंबर 52 एंड क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द क्वेश्चन। तो फर्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, व्हाई इज द एवरीथिंग क्वाइट। तो एवरीथिंग इज क्वाइट बिकॉज इट इज अ एवरी मॉर्निंग। क्या आंसर आएगा इसमें कि सभी लोग फटाफट से काम किस समय करते हैं, तो के एवरीथिंग इज क्वाइट बिकॉज इट इज अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कम्स ऑन अ बाइसिकल। तो बाइसिकल लेकर कौन आता था सुबह, तो कि द न्यूज़पेपर बॉय कम्स ऑन अ बाइसिकल। नेक्स्ट वन थर्ड, व्हाई इज द चैटरिंग। तो कि द स्कूल चिल्ड्रन आर चैटरिंग। जब स्कूल के चिल्ड्रन सब आते थे तो उसका वॉइस कैसा आता था, चैटर 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 ऐसा आता था। फोर्थ क्वेश्चन है, वो इज द एंग्री विद द क्रो। एंग्री गुस्सा कौन हो गए थे क्रो के ऊपर, तो कि द रोड इज एंग्री विद द क्रो। गुस्सा रोड हो गया था, किस पर हो गया था, क्रो पर, क्योंकि वो बड़े बड़े तेज आवाज से कंटिन्यूसली कॉविंग 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 बोल ही रहा था, रोड उठ गया था फिर भी। तो फिफ्थ, व्हाट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कौन सा साउंड हमें सुनाई देता है, चलो आपको भी सुनाई देता होगा। तो द साउंड इज अ बर्ड्स, न्यूज़पेपर बॉय, वेजिटेबल मैन, स्कूल चिल्ड्रन एक्सेट्रा कैन बी हियर इन द मॉर्निंग। सिक्स्थ, व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग। वो वेजिटेबल मैन था वो क्या क्या बेच रहा था, तो द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग पीज, कॉफी फ्लावर्स, कैबेज, पोटेटोज, कुकुम्बर, रेडिस एंड कैरेट्स। ओके सेवंथ, वाई इज द रोड एनुअट विद द क्रो। क्रो पर वो रोड है वो एकदम किससे गुस्सा हो गया था और क्यों हो गया था, तो चलो हम देख लेते हैं। द रोड इज एनुअट विद द क्रो बिकॉज द क्रो इज कोविंग कोविंग कंटिन्यूसली टू वेक अप द रोड। वो रोड उठ गया था, जग गया था फिर भी क्रो क्या एकदम बड़े बड़े कंटिन्यूसली बड़े बड़े आवाज से काऊ 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 बोलता ही जाता था इसीलिए। बट द रोड इज ऑलरेडी वाइंड अ वेक। वो रोड उठ गया था फिर भी वो कौवा इस तरह से बोलते ही जा रहा था इसीलिए रोड उस पर गुस्सा हो गया। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 53। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज अ क्वाइट बिकॉज, पहले हम इसका हेडिंग लिख लेते हैं, सॉरी राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। यहाँ पे से फोर्थ बॉक्स में से हमें सही आंसर चूज करके लिखना है। तो फर्स्ट है एवरीथिंग इज अ क्वाइट बिकॉज। एवरीथिंग क्वाइट मतलब सुबह जल्दी लोग क्यों उठ जाते हैं, सब मॉर्निंग में क्यों सब वर्क करते हैं इसीलिए। तो इसमें आएगा एवरीथिंग इज अ क्वाइट बिकॉज इट इज अ अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट, व्हाट डू द स्पेरो से। स्पेरो का आवाज किस तरह का था, चिरप 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 चिरप। बी, व्हाट डज द क्रो से। क्रो किस तरह से बोल रहा था, काउ 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 काउ। सी, फोर्थ, वो कम्स ऑन द बाइसिकल। बाइसिकल लेकर कौन आ रहा था, तो न्यूज़पेपर बॉय, न्यूज़पेपर बॉय ऑप्शन ए। फिफ्थ, व्हाट डज द बाइसिकल से। बाइसिकल की आवाज़ किस तरह से आती थी, तो ट्रिंग लाइन ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। ओके ए आएगा इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन 6, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। चिल्ड्रन है उसकी आवाज़ किस तरह से आती थी, तो इसमें आती थी चटरिंग चटरिंग। कौन सी आती थी, चटरिंग चटरिंग ए। वो इज द चटरिंग चटरिंग सेम वे 6 एंड 7, तो उसमें आपको पूछा था कि चिल्ड्रन की आवाज़ किस तरह की थी और चटरिंग
कौन कर रहा था, किसकी आवाज थी, तो कि सी स्कूल चिल्ड्रन की, तो इसमें आएगा सी। एट व्हाट डू सूज से, तो इसमें आएगा सूज है वो चिल्ड्रन ने सभी ने पहने थे, तो उसकी आवाज कैसी थी, ट्रम 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 ट्रम, सी। नाइन्थ व्हाट डज द क्रो टेल द रोड, तो इसमें आएगा वेक अप, क्रो है वो क्या बोल रहा था रोड को, वेकअप वेकअप उठ जा बोल रहा था, इसे लेगा वेकअप। टेंथ वो इज एंग्री विद द क्रो, क्रो पर कौन एंग्री हो गया था, क्योंकि न्यूज़पेपर बोई दिया है स्कूल चिल्ड्रन वेजिटेबल मैन एंड रोड, कौन हो गया था गुस्सा, रोड हो गया था, तो इसमें आएगा ए। इलेवन व्हाट डज द रोड कॉल द क्रो, बी पुलिस बर्ड्स, वो रोड में कॉल द बर्ड्स थे, क्रो था एक्सेट्रा, ओके। ट्वेल्थ व्हाट डज द रोड टेल द क्रो, आई एम वाइंड अवे, आई एम वाइंड अवे, वो रोड है वो क्रो को बोल रहा है कि मैं अब जग गया हूँ, तुम तुम्हारी आवाज़ बंद रखो, इस तरह से रोड को, रोड कोवा को बोल रहा था, तो इसमें आएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पेज नंबर 54, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 54, फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स में आंसर दिए हैं, फिर यहाँ पे आपको सेंटेंस रीड करके सही आंसर यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है, ओके। तो फर्स्ट है द बाइसिकल सेज, तो बाइसिकल की आवाज़ किस तरह से आती है, ट्रिंग लाइन ट्रिंग ट्रिंग अ लाइन, ओके। ए इसमें आएगा ट्रिंक अ लाइन, यहाँ पे आपको लिख कर ही दिया है। फिर नेक्स्ट है द सूज गो, सूज है वो चलते हैं, मतलब आप पैर अपने एक से दो दो पैर होते हैं ना जमीन पर जब चलते हैं, तो सूज में से कैसी आवाज़ आती है, ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प। तो स्पेरो से चिरप चिरप चिरप, द चिल्ड्रन से चटर चटर चटर, द क्रो से स्कॉन्स स्कॉन्स स्कॉन्स, द वेजिटेबल मैन सुट सुट सुट, ओके। चलो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4th है, 4th से स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक अपनी वर्कबुक में लिखना है, यूनिट 6 कंप्लीट कर लेना है, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे, एंड स्टे सेफ, स्टे टेक, स्टे होम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।